अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है सब देखने वाले खैरियत से होंगे। मैं जुनैद अशरफ, मैं आपको जी दिखाता हूँ कुछ ना कुछ। पहले बारिश हो रही है, ये हमारा चौकीदार है, चीज़ आपको बाद में पता चलेंगे, सुता रहा सारी रात। अच्छा, जो हुआ है वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो है। ये जानवर नज़र आ रहे होंगे आपको, ये देखें, सही है, ये कर लें बल्कि सही है। हाँ अबू जी, गल करा दे। ये जी रात को थोड़ा सा सीन हुआ है, तो इसमें अब्बा जी से पूछेंगे, वो पता मुझे भी है लेकिन डिटेल्ड वो देंगे। अभी ये टीप करवा रहे हैं, इसकी किस पर्पज़ के लिए करवा रहे हैं वो सारा सीन इंशाल्लाह। इधर भी है एक पार्ट लगा कि सुभान अल्लाह। हेलो जी सुभान भाई, चौका सही। दूसरा ये है जी, तो इसके बारे में डिटेल लेकर देता हूँ आपको। जी अब्बा जी, जी जी, क्या वाकया है, थोड़ा जहा डिटेल दसो। वाकया ये होया भी सर्दी दा दिन सीगे, धुंदा ना करके असीं थोड़े चकन्ने रहिंदे सां, ते अगे सानूं कमजोरियां सी लाइटां दीआं। हुण अल्लाह पाक ने लाइटां भी दो तीन सानूं चंगीआं देतीआं, सही है, ते ओह लाइटां दी वजह तों अल्लाह पाक ने ना बड़ी बचत करती। राती चोर यानी कि आए ने, उन्हें सन लाई है, साडी इत्थे मंजी सीगी, अजी कुछ समान इत्थे रखिआ दाणा वंडा, सही है, उन्हां नूं पता वी इह दाणा वंडा इधर रखिआ बकरियां दा, ते नाल मंजी बकरियां थोड़ियां अगे सन, सही है, हुण इधर सन लाया, उधर भी लाया सन, उधर साढ़े मंजे आ गए, इधर भी मंजे सन, सही है। ते बाकी अल्लाह पाक ने करम किया उस टाइम, यानी कि असि उठ पे हां, सही है, जिन्हां विचों एक बच्चा छोटा जिहा सीगा उनका नुकसान होया, बाकी अल्लाह पाक ने बचत हो गई है, बचत हो गई है। 15-20 दिन का बच्चा सी छोटा, 15-20 दिन का, सही है। उन्होंने सन चार जगह तो लाई है, सही है, इथों लाई है, एक गब्बे लाई है सेंटर चो, एक गब्बे लाई, अज असि इसे करके ना मौलाना साहब ने लिया वा, असि टीम कर लीए, सही है, अगे बच्चा सी टीम नहीं है, अगे भी सीमेंट वाली ही कंध है ना, अगे सीमेंट वाली कंध सी की, ते सिर्फ ना आया सी मतलब कि टीम नहीं हुई, सही है, हुण असीं मजबूती करन रहे हां, अंदर बार फिर मजबूती तक अपनी दफा पूरी करिए, सही है, ते उस तो बाद असीं आ उत्ते ना इटां दे उत्ते कंधां दे उत्ते छोटी जिही साइड पर हेठ लाई है, सही है, इधर भी देखो ना, मैं दिखा देता हूं जी आपको, ए उत्ते साडा मंजा सही जिथे ना, सही है, अंदर बार उत्ते भी मंजी साडी, हां अंदर भी होते हैं बंदे, ये मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखें, ये ईंट लगी हुई है ऊपर, तो ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਇਹ ਨਾ 1:30 ਦਾ ਟਾਈਮ 1:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ 1:30 ਵਜੇ ਕੁੱਤੇ ਬੜੇ ਭੌਂਕੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਚ ਸਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਕੁੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈਰੇ ਭੌਂਦੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸਹੀ ਸਹੀ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਲ ਦੀ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਬੈਕ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਸੋ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਾ ਮਾਦਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਆਏ ਸਹੀ ਉਹ ਨਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਾਨਵਰ ਤਬਕੇ ਨਾ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾ ਮਾਰਦੀ ਨਾ ਨਕਸ਼ਾ ਚੋਂ ਤੇ ਜਾਂ ਬਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੱਕਰੀ ਬੋਲੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕੰਨ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਅਗੋ ਲੈਟ ਮਾਰੀ ਤੇ ਬਾੜ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਾ ਬਾੜ ਲੱਗਾ ਬਾਕੀ ਫੌਰੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿਆਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 2-2.5-1.5-200 ਜਾਨਵਰ ਸੀ ਗਿੰਨੇ ਕੁ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਕਾ ਨੂਕਾ ਲਾ ਲਿਆ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਚੋਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਜੰਗਲ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਆ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਰਨੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਟੀਪ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਬਚਤ ਕੀ ਹੈ ਤੋ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਸਾਥ ਸਾਥ ਹੁੰਦੇ ਰਹਤੇ ਹੈ TMR का आइडिया दे दो जी बकरियों का टोटल मिक्स राशन जिसे कहते हैं TMR अवेलेबल है और ये बकरियों की फीड है जब आप ये डालते हैं तो इसके बाद आपको किसी किस्म के सब्ज़ चारे खुशक चारे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है TMR और सिर्फ पानी आपकी बकरी की बकरे की एक दिन की मुकम्मल खुराक है तो इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान में इसकी कार्गो अवेलेबल है नंबर स्क्रीन पर चल रहा है बोल भी देता हूँ 0301-79-33-564 तो इंशाल्लाह ये आपको डिलीवर्ड होल पाकिस्तान में किया जाएगा सही है जी तो बाकी बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ थोड़ा सा जी आपको अंदर से आइडिया दे देता हूँ ये जो दो चार पहिए हैं यहाँ से उन्होंने ईंटें निकाल ली थी तो शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई है काफ़ी वरना जितनी उन्होंने जगह बना ली थी ना इसमें से वो
अच्छे खासे तो नहीं, लेकिन बड़ा जानवर दो एक जितने बोले जाना चाहे लेके जा सकते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बचे थे। एक इस जगह पे थी, उसके फ्रंट पे ये आ गए थे तोड़े वगैरह, और एक इस साइड पे थी। तो चुकन्ने बंदे होते हैं हमारे, एक्टिव होते हैं, लेकिन वो जब अल्लाह पाक की तरफ से कुछ आई हो, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बचाया भी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये समझ लें कि एक सबक आ गया, नसीहत मिल जाएगी लाइफ टाइम के लिए। ये देखें यहाँ से उन्होंने ये काम किया था, तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह बचत रही है। अभी ये लगा रहे थे, या बल्कि पहले उन्होंने ये लगाई है, इसमें उनको ये चारपाई नज़र आई है, ये छोड़ के फिर उस तरफ गए चले हैं। या दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है, उन्होंने उस तरफ वाली पहले लगाई है, जब वो निगाते रहे ना, तो बल्कि उस ऑप्शन हो सकता है, उसमें उनको बैग वगैरह नज़र आते रहे नीचे, फिर उन्होंने वो छोड़ी, तो उन्होंने इस नुक्कर से ट्राई किया, क्योंकि कॉर्नर से ईंट निकालना आसान होता है, सेंटर में से ट्राई किया लेकिन वहाँ से ईंट निकलती बड़ी मुश्किल से है। तो इस कॉर्नर में फिर आए, फिर उनको ये चारपाई नज़र आई, और फिर अब्बा जी की आँख खुल गई। तो ये सीन्स थे। डेढ़ एक साल हो चुका है, या शायद दो साल, दूसरा साल चल रहा है, नहीं बल्कि डेढ़ साल हो गया पहली इस जगह पे लाए, तो फर्स्ट टाइम ये इंसिडेंट हुआ है। जो भी अल्लाह पाक करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। एक सबक मिला है कि ये गलतियां नहीं करनी, इससे बचना है, तो इंशाल्लाह सिक्योर रहे। एक दा फायदा आएगा ना, जिस वक्त रात में कोई माड़ा या नाल लाएगा ना, आगे से आ देखो एंदे विच कोई सन लग जांदा है, सही है, हां ऐ ठन कर लेंदे सीमेंट वाली भी सही, और जिस वक्त होएगा ना खड़का ते होएगा ना, सही लंग पैरा ते साडा पूरा ही अगे भी खड़का हुंदा ना, सही है जी। बाकी जी एंड करेंगे इस जगह पे जाके, ये देख लें, इस जगह पे भी लगा है एक, ट्राई की उन्होंने लेकिन वहां से नहीं निकला। ये कॉर्नर है, कॉर्नर से ईंट आसानी से निकल जाती है, तो उन्होंने यहाँ से फिर ट्राई की है, लेकिन यहाँ पे भी ये देख लें, ये चारपाई का है, चारपाई थी यहाँ पे, चलें जी। सिद्धू साहब भी आए ने माशाल्लाह, इनकी मंजी दे थलों लाया उन्होंने, हम साला ले आओ। तो ये थी छोटी जी अपडेट, एमए शेयर की है, तो बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।